हे गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर तो यार आज हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फीमोरल सीट ठीक है तो यार जैसा मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ ना सेम टू सेम आपको कहा में लिखना है एग्जाम में लिखना है एंड आपको ये सारे नोट्स काय पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो यार स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फीमोरल सीट तो यार क्या है फीमोरल सीट तो क्या होता है यार फीमोरल आर्टरी फीमोरल वीन ये सब एक जो है ना सीट से कवर रहते हैं ठीक है ये जो सीट आपको दिख रही है ना ऐसे करके और ये यहाँ से ऐसे ठीक है तो अब भाई कहाँ पे होती है फीमोरल आर्टरी कहाँ पे होती है फीमोरल वीन तो आप देख पा रहे हो गए, ये है हमारी फीमोरल आर्टरी ठीक है ये है हमारी फीमोरल वीन ये है हमारी फीमोरल कैनाल विथ लिम्फ नोड ठीक है ये हो गया हमारा फीमोरल रिंग देन यहाँ से हमारा निकल रहा है ग्रेट सेफेनस वीन साइड में से ठीक है देन एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीट और ये होगा हमारा फीमोरल ब्रांच ऑफ जेमनाइटो फीमोरल नाव ठीक है अब ये जो कवरिंग आपको ये वाली दिख रही है डेट इज फेशिया ट्रांसवर्सलिस ओके अब हम बात करते हैं कि हमें एग्जाम में क्या बनाना है तो एग्जाम में आप चाहो तो ये वाला बना सकते हो ठीक है ये वाला आप डाइग्राम बना सकते हो लेकिन अगर आपका मन चाहे तो ये वाला भी बना सकते हो ये वाला भी, ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो सेकंड वाला डायग्राम ये समझने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो हम इसी को समझेंगे ठीक है लेकिन हम पहले क्या बोलते हैं कि यार ये समझते हैं कि डायग्राम में है क्या तो देखो सबसे पहले जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना जो मैंने बनाई है ये वाली आपको रेड रेड दिख रही होगी ये क्या है ये हमारी फैशिया ट्रांसवर्सलिस ठीक है क्या है? ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस अभी आप केवल नाम सुनो मैं आपको पूरा अच्छे से बताते आँगे ये पीछे वाली क्या है फेशिया इल्हा का ठीक है तो हमारी ये फेशियर ट्रांसवर्सल है ना वो है एंटीरियर फेशिया इलिया कस क्या है ऑस्टीरियर मीडियल में हमारी ऑब्लिक रहती है ओके देन यहाँ पे वर्टिकली लेटरल वॉल ठीक है अब हमारा फ्यूमरल सीट होता किधर पे तो मान लो ये पैर है आपका ठीक है यहाँ से पेट के ये लाइन गई है यहाँ पे अम्बलिकस ये हमारा ऊपर का हिस्सा ठीक है तो जो ये वाला जो पार्ट है ना ये इसको हम कहते हैं फीमोरल सीट ठीक है तो अब अगली बात करते हैं तो हमारा सबसे जो मीडियल कंपार्टमेंट है वहां पे क्या है लिम्फ नोड ठीक है देन क्या है हमारी फीमोरल वीन देन क्या है फीमुरल आर्ट्री और यहाँ पे एक और जेनेटो फीमोरल नर्व तो अगर आपको इजी डायग्राम बनाना है अगर पाँच नंबर में आता है तो ये वाला डायग्राम बनाओ लेकिन अगर वो पंद्रह नंबर में कोरिलेट करके किसी क्लिनिकल के साथ आता है तो आपको दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे अब हम क्या बात कर रहे हैं कैसे कंपार्टमेंट होते हैं इसमें तो तीन कंपार्टमेंट होते हैं बॉस Compartment, compartment तो लेटरल कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट एंड द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। तो जब हमारा लेटरल कंपार्टमेंट है ठीक है उसमें हमको क्या दिखा फीमोरल आर्टरी एंड जेनाइटो फीमोरल नर्व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या दिखा हमें फीमोरल वीन मीडियल कंपार्टमेंट में क्या मिला लिम्फेटिक कंपार्टमेंट ओके तो यार वही सब जो है ये आप जो देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है ठीक है ये जो हमने थ्योरी लिखी है ये सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे पूरा बताया आपको इस डायग्राम में कम्प्लीटली एंटायरली यही सब लिखा हुआ है तो आप एक बार बस पढ़ लेना भाई और आपका ये पूरा हो जाएगा तो हमारा फीमुरल सीट था ना वो इतना ही था अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमोरल कैनाल के बारे में और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम चैनल की उसको ज्वाइन कर लो दैट्स इनफ फॉर फीमुरल सीट थैंक यू फॉर वॉचिंग